यहाँ पर मतदान केंद्र क्रमांक 6 में तनातनी देखी गई है। प्रत्याशी और निर्वाचन अधिकारी के बीच बहस हुई है। प्रत्याशी को मतदान केंद्र से बाहर निकालने पर आपत्ति जताई गई है। दूसरे दल के प्रत्याशियों ने यह आपत्ति जताई है। बहस के बाद सभी को बाहर किया गया है। आपको बता दें, लोनी से खबर, मतदान केंद्र क्रमांक 6 में तनातनी देखी गई है। तो बता दें, प्रत्याशी को मतदान केंद्र से बाहर किया गया है। दूसरे दल के प्रत्याशी ने नाराजगी जताई है। बहस के बाद यहां पर सभी को बाहर किया गया है। मतदान केंद्र क्रमांक 6 में तनातनी देखी गई, माहौल गरमाया हुआ है। लोरमी की खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशी को मतदान केंद्र से बाहर निकलने पर यहाँ पर बहस हुई है। दूसरे दल के प्रत्याशियों ने आपत्ति भी जताई है। बहस के बाद सभी को बाहर किया गया है। तो बता दो, लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है और लोरमी में तनातनी देखी गई है। गरमाया हुआ माहौल जो है देखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, किस बात को लेकर यहां पर तनातनी देखी गई है? जी, आपको बता दें, लोरमी नगर पंचायत में सुबह से ही आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोरमी के वार्ड क्रमांक 8 का पूरा मामला है, जहां पर पीठासीन अधिकारियों के द्वारा वहां पर जो प्रत्याशी उनको अंदर आने से मना किया जा रहा था, जिसको लेकर यह पूरा विवाद गहरा गया। और फिलहाल अधिकारियों के द्वारा समझाइश देने के बाद वहां पर माहौल तो शांत करा दिया गया, लेकिन लोरमी के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं के द्वारा वहां जो पोलिंग बूथ बनाई गई है वहां से कुछ दूरी में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है और इसकी शिकायत भी लगातार उच्च अधिकारियों को की जा रही है। लोरमी के वार्ड क्रमांक 6 में हालांकि हालात अभी थोड़ा सा काबू में है, लेकिन कभी भी किसी तरीके से कोई बड़ी घटना घटित हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और मुख्य